Hi guys, welcome back to my channel. I'm Roopshikha and you're watching my channel Shikha Style. Guys, आज का जो वीडियो है ये बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ. अ फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल. दिस इज अ काइंड ऑफ पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल. आजकल बहुत वेडिंग पार्टीज चल रहे हैं एंड रिसेप्शन पार्टीज, मेहंदी पार्टीज एंड कॉकटेल पार्टीज, यू नो. तो जो ये पार्टीज होते हैं स्पेशली नाइट टाइम होते हैं, तो ये मेकअप जो है वो आप नाइट टाइम वेयर कर सकते हो. सो ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स विच आई हैव यूज्ड इज लाइक ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम यूज़ किया है मैंने. बहुत सारी चीज़ें जो इसमें से मैंने यूज़ की है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया है टू सी हाउ इट वर्क्स. क्योंकि मेकअप मैंने ले तो लिया था बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था यूज़ करने के लिए. सो आई थॉट कि चलो एक मेकअप ट्यूटोरियल तो बनता है, इवन मुझे भी पता चलेगा कि ये कैसा वर्क करता है एंड ऑल. हर एक जो प्रोडक्ट का लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा विथ माई शेड. सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई एम रूपशिखा एंड आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड स्किन केयर, हेयर केयर एंड स्पेशली आई डू रिव्यूज वीडियो. सो अगर आपको मैं अच्छी लगी और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड डू नॉट forget to subscribe to my channel. तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ. Let's see how I have created this look. सो गाइज, सबसे पहले मैंने यूज़ किया है रोज़ गोल्ड ऑयल. आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. ये ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें स्पेशली एक शाइनिंग काइंड ऑफ पार्टिकल्स है जो कि स्किन में बहुत अच्छा एक ग्लो लेके आता है, शाइन लेके आता है. मैक स्ट्रोब क्रीम यूज़ किया है मैंने यहाँ पे. दिस इज़ अगेन फॉर डूई शाइनी ग्लोई मेकअप. तो ये जैसे कि नाइट मेकअप है तो मैंने सोचा कि ये स्ट्रोब क्रीम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है यूज़ करना, बिकॉज नाइट पार्टी में आपका फेस जो है वो शाइन करता है, ग्लो करता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो एक नेचुरल सा ग्लो दिखता है इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली ये स्ट्रोब क्रीम मैक का स्पेशली. अगर आपके पास कोई भी दूसरा ब्रांड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो वो भी चलेगा, दिस इज़ ऑप्शनल. तो मैंने ब्रश के साथ यहाँ पे अप्लाई कर लिया है. और फाउंडेशन मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी लिया है, सॉरी मैंने उल्टा पकड़ा था इसके लिए. और ये मैंने डायरेक्टली ब्रश में ही ले लिया है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. इसका रिव्यू मैंने दिया है अपनी चैनल पर, आप चेक कर सकते हो. पहले ब्रश के साथ मैं इसे पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करती हूँ. क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज़ करना. अगर जैसे कि ये बहुत हाई कवरेज फाउंडेशन है, अगर इन केस ज़्यादा भी लग गया तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है ब्लेंड करते वक्त अच्छे से यू नो इवन कर देता है उसे, कहीं पर ज़्यादा या कहीं पर कम नहीं लगता है. ये बेस्ट पार्ट होता है. कंसीलर मैंने यूज़ किया एनवाएक्स का, ये HD कंसीलर है. वैसे तो ये फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है उसमें आपको कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर इतना अच्छा मतलब फाउंडेशन जो है वो कवरेज बहुत अच्छा है. लेकिन मैंने यहाँ पे कंसीलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल दिख रहा है तो मुझे वो हाइड करना था. सो पाउडर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का. ये बहुत ही अच्छा पाउडर है आपका, जो ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है. तो आपके चेहरे को आप सेट कर सकते हो उसी से. आईब्रोज़ के लिए मिस क्लियर का ये ब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं. मुझे इसका ब्रश जो है वो बहुत पसंद है. तो आपको आईब्रोज़ फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अभी भी आप नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट. इससे बहुत इजीली आप अपने आईब्रोज़ के बीच में जो गैप होता है वो फिल करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा एक लुक आता है आईब्रोज़ में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिफरेंस. अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रो पाउडर नहीं है तो आप एक ब्रो मस्कारा ले सकते हो, जिसे आप आराम से अपने ब्रोज को शेप कर सकते हो. थोड़ा डार्क भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है. ब्रॉन्जर पाउडर में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एनवैक्स का. ये मुझे बहुत पसंद है, एक बहुत सेटल सा एक नेचुरल सा लुक देता है. और ब्रॉन्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इट गिव्स यू अ प्रॉपर शेप. अगर आपके फेस को स्लिम लुक देना है तो ब्रॉन्जर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कौन है जो नहीं चाहता है स्लिम लुक, राइट. सो आई शेडो के लिए मैं LA कलर्स का ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है ये. तो जो लाइट वाला शेड है उसे क्रीज लाइन में एज अ ट्रांजेक्शन शेड लगा रही हूँ मैं. तो इसे धीरे धीरे बिल्डअप करना है, क्रीज लाइन पे ही बिल्डअप करना है. तो जैसे कि ये जो शेड है थोड़ा सा डार्कर शेड है, इसे भी क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड करना है. सो ब्लेंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आई शेडो में. ये काफ़ी इजी आई शेडो मैं अप्लाई करके बता रही हूँ आपको, जो हर एक पार्टी में हर एक
कोई भी ड्रेस में आपको ये अच्छा लगेगा। सो ब्लैक जो कलर है उसे अपने आउटर कॉर्नर में लगाना है आईज़ के, और उसके बाद इसे ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड 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 ही करना है, उसे अच्छे से अंदर क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो गाइस ब्लेंडिंग के लिए एक थोड़ा सा टाइम रखना है। घाई घाई में अगर आप करोगे ना तो जल्दी जल्दी में वो अच्छा भी नहीं दिखेगा, और ब्लेंड ठीक से नहीं होगा तो आई शेडो ठीक नहीं दिखता है। तो गोल्डन शेड यहाँ पे मैंने लिया है अपने आई लीड पे, इसे अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक। तो जो ब्लैक शेड है उसमें हमें इसे स्मर्ज करना है, और ये वाला जो गोल्डन शेड है इसे मैं अपने ब्राउज को हाईलाइट कर रही हूँ, और जो ये ब्राउन शेड है इसे लाइक आपके जो लोअर लैश लाइन है आपको उसे हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पे कोई काजल यूज़ नहीं करूँगी, मुझे ये लुक अच्छा लगता है इसलिए आप काजल यूज़ कर सकते हो। यहाँ 925 वाला आईलाइनर जो है लैक्मे का, ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये आईलाइनर बहुत ईजी लगता है लाइक विंग ड्रॉ करना हो अगर आपको तो। और आईलैशेस यहाँ पे पैक का ये नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कलर बार का रेड कलर लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं। ये रेड कलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो आउटफिट था वो ब्लैक कलर का था, तो रेड विल लुक गुड। आपके ऊपर आप न्यूट शेड भी लगा सकते हो यहाँ पे, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको रेड लगाना है। ये ब्लश ऑन मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, दिस गिव्स यू अ पिंकी काइंड ऑफ यू नो चिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला ब्लश ऑन, आई जस्ट लव इट। अब मेरा फेवरेट पार्ट है अप्लाई करने का, जो कि है हाइलाइटर। तो मैक हाइलाइटर इज माई फेवरेट नाउ डेज, आई गो क्रेजी, ये इतना नेचुरल शाइन देता है आपको लाइक ओ एम जी। मैं तो कहती हूँ कि हर एक लड़की को ये एक हाइलाइटर रखना ही चाहिए। सो अब आता है बारी सेटिंग स्प्रे का, तो ये है पैक सेटिंग स्प्रे। ये बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो आई एम डन हियर। So guys, I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट मी। तो मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में गाइज, टेक केयर, सी यू सून, बाय।